कलंक के डिजास्ट्रस बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बाद रिपोर्टेडली करण जौहर चेंजेस कर रहे हैं अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट तख्त में। क्या है वो चेंजेस, आइए बताते हैं। खबरों की माने तो फिल्म कलंक को मिले खराब रिस्पॉन्स को करण जौहर फीडबैक के तौर पर ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि अपने बिग प्रोजेक्ट तख्त के डायलॉग और एक्शन सीक्वेंस को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फिल्म को ऑडियंसेस पसंद करें। सागरिका, स्टार्टिंग विथ अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ करण जौहर, कलंक उन्होंने कहा था कि बहुत टाइम से बनाना चाहते थे एंड जब उसका टीजर आउट हुआ था ऑडियंस वर एक्साइटेड, जब उसका ट्रेलर आउट हुआ था ऑडियंस वर इवन मोर एक्साइटेड एंड बहुत ज़बरदस्त बॉक्स ऑफिस पर उनका रिस्पॉन्स रहा था फर्स्ट डे पर, बट देन ऑब्वियसली कलेक्शन डिक्लाइन हुए एंड लोगों ने दो तीन चीज़ें जो हैं वो सिंगल आउट की थी। फर्स्टली कि एक बहुत अनरियलनेस थी फिल्म में, कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, डायलॉग्स के बारे में सब ने कहा कि हम बस ढूंढते रह गए कि ऐसा कोई मेमोरेबल सा लाइन हमें मिल जाए, बट वैसा नहीं हो पाया था एंड अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो यू नो वेंट आउट ऑन अ लिम्ब एंड सेड कि आप भंसाली जी का काम उन पे ही छोड़ दीजिए, डोंट ट्राई एंड मेक समथिंग दैट इज नॉट एग्जैक्टली यू नो राइट अप योर एली। एब्सोल्युटली, जैसे कि आपने कहा कि फैंटेसी लैंड वाली फीलिंग थी जब आपने कलंक देखी, तो अब तख्त जो है इट्स गोइंग टू बी अनदर मल्टी स्टारर बिग बजट हिस्ट्री बेस्ड पीरियडिक ड्रामा एंड दिस इज अनदर एंबिशियस प्रोजेक्ट फॉर करण जौहर, जिनमें नजर आएंगे रणवीर सिंह ऑफ कोर्स, आलिया भट्ट होंगी, करीना कपूर होंगी, विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, अनिल कपूर, जानवी कपूर एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो जब आपके पास मल्टी स्टारर अनदर प्रोजेक्ट इज कमिंग अप विच इज गोइंग टू बी अगेन अ पीरियडिक ड्रामा, करण जौहर रिपोर्टेडली इज बीइंग वेरी केयरफुल और सुनने में आ रहा है कि उन्होंने अपने फिल्म के अपकमिंग फिल्म के डायलॉग्स को और थोड़ा सिंपल बना दिया है बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर कंप्लेनिंग कलंक में जो है वो मुहावरे एक दूसरे को कह रहे हैं, डायलॉग्स बहुत ज्यादा हैवी है जो रेजोनेट नहीं कर पा रहे थे ऑडियंस। तो यहाँ पर तख्त में इवन दो इट्स अ पीरियडिक ड्रामा, इवन दो यू नो उस जमाने में दे वुड टॉक इन अ सर्टेन लिंगो, ये डायलॉग्स जो है वो थोड़ा और सिंपल बनाने वाले हैं और एक्शन सीन को भी थोड़ा सा ईजी करने वाले हैं इस फिल्म में, सो दैट पीपल कैन रेजोनेट विद द फिल्म। ऑलरेडी यू नो इस फिल्म में इतने सारे एक्टर्स हैं, टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह, ही इज वेरी पिकी दीज डेज, वो भी ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स नहीं उठाते हैं जहाँ पर उनको ऐसा लगे यू नो दैट द फिल्म मे नॉट डू दैट वेल। सो वेन यू हैव सच बिग नेम्स, रणवीर सिंह, विकी कौशल, ऑल ऑफ दीज एक्टर्स आर डूइंग सच मेजर प्रोजेक्ट्स जो सिर्फ यू नो क्रिएटिवली सैटिस्फैक्ट्री नहीं होते हैं बल्कि ऑडियंस के साथ भी रिलेट करते हैं, बॉक्स ऑफिस पर भी बहुत ज़बरदस्त कमाई करते हैं, यू नो टॉकिंग अबाउट विकी कौशल उरी। तो जब आपके पास ऐसी स्टार कास्ट है तो आपको उसको यू नो जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वेयर एज यू नो टॉकिंग अबाउट कलंक, पूरी की पूरी स्टार कास्ट जो है उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी थी दैट हमारा जो मूवी है, हमारी जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा ग्रैंड है, इतनी ज़्यादा यू नो फेरी टेल लाइक दिखती है, क्योंकि 25 साल बाद संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित वर कमिंग टुगेदर। ऑडियंस का सबसे बड़ा कंप्लेन ये था कि स्टोरी लाइन जो थी वही कन्विंसिंग नहीं थी और कंटेंट उन्हें नहीं पसंद आया था। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर तख्त में लाइक रिपोर्ट सजेस्ट कि करण जौहर चेंजेस कर रहे हैं, डायलॉग्स और एक्शन सीक्वेंस को सिंपल बना रहे हैं, विल दैट बी इनफ, बिकॉज कॉन्टेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग, वी रियली होप। एंड यू नो ये जो फिल्म है वो हिस्ट्री बेस्ड पीरियडिक ड्रामा है, शाहजहां के बेटे औरंगजेब और दारा सीको पर बेस्ड है, दो भाइयों की कहानी है, उनकी राइवलरी की कहानी है एंड रणवीर सिंह एंड विकी कौशल विल बी सीन इन इट। सो वी आर वेरी एक्साइटेड कि होपफुली कंटेंट जो है वो यहां पर तगड़ा नजर आएगा तो ऑडियंस अपने आप इस फिल्म को पसंद करेगी।